रेस्ट इजी एक कंपनी है, भी कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है ये, ठीक है। तो स्टार्टअप है जो कि कस्टमाइज जो ईआरपी पैकेजेस है वो डेवलप करती है। इसके दो डिपार्टमेंट है, एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है, एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है। और इसका जो फाउंडर और सीईओ है यश, वो कहता है कि हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट सॉल्यूशंस है उनको डिलीवर करने के लिए जो स्टाफ है उसको वेल ट्रेंड और अप टू डेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक इन हाउस जो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इसने ओपन किया। तो मतलब अब कंपनी स्टार्टअप जो है उसके पास तीन डिपार्टमेंट हो गए। अब इसने बोला कि आपको 2 वीक की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी हर साल। कंपनी के जो स्टाफ है उनको बोला कि आपको 2 वीक की हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी सेट कर दिया गया है। और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कोड बना दिया कि मतलब बजट में कि भाई इतना बजट लगेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों डिपार्टमेंट है जिसको हम ट्रेनिंग देंगे उन दोनों डिपार्टमेंट को साल के लास्ट में क्या करेंगे, अलोकेट कर देंगे। और जो दोनों जो डिपार्टमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिट के बेस पे हो करी जाती है। तो अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उनका जो है परफॉर्मेंस वो ख़राब दिखेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस है ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया जो बजटेड कॉस्ट था ट्रेनिंग का वो था 29,60,000 का, 200 ट्रेनिंग सेशन का, लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट आया वो 29,60,000, 38,25,000 आ गया, सिर्फ 180 ट्रेनिंग का ही आ गया। यानी जो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट था पर ट्रेनिंग सेशन का 14,800, वो एक्चुअल में कितना हो गया, वो हो गया एक्चुअल में 21,250 रुपये का। यानी देखो 6,450 रुपये का एक सेशन में सीधा का सीधा जंप आ गया। तो यश जो मैनेजर है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उसे पता चला कि जो मार्केट में जो इसी तरीके की ट्रेनिंग जो वो चाहते हैं अगर वो मार्केट से लें तो उसकी ट्रेनिंग पड़ेगी 12,000 रुपये की। लेकिन उसने जो 14,800 रुपये की जो इन हाउस ट्रेनिंग है वो उसने घर के अंदर मतलब स्टार्टअप अपने स्टार्टअप के अंदर ही करवाई, क्योंकि उसको लगा कि अगर जो ट्रेनिंग है वो कस्टमाइज होगी अच्छा तो ये ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी और हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। और जो ट्रेनिंग का जो बजट था उसको देख करके ये पता चलता है कि ट्रेनिंग की ज़्यादा जो एक्सपेंसिव थे वो फिक्स्ड नेचर के थे। किस नेचर के थे, फिक्स्ड नेचर के थे। तो अगर जैसे जो दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका क्या नाम है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ने 100 में से सिर्फ 80 ही ट्रेनिंग सेशन लिए हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पर ट्रेनिंग सेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब फिक्स कॉस्ट आपकी है और हमने ट्रेनिंग सेशन कम लिए हैं तो आपकी जो पर ट्रेनिंग सेशन की जो कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो जो मैनेजर है कस्टमर सर्विस का वो बताता है कि जो इन्होंने सिर्फ 80 सेशन क्यों लिए और 100 सेशन पूरे क्यों नहीं लिए। बोला कि जो हमारे जो स्टाफ है वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वर्क प्रेशर उस समय हैंडल कर रहा था, इसलिए हमारे जो सेशन से वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए हम ये जो 20 सेशन जो हमने नहीं लिए हम उसकी चार्ज नहीं देंगे। बट इसको देना पड़ रहा बट इसको भी देना पड़ रहा था क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मामला है और फिक्स कॉस्ट तो सबके बराबर में बटेगा, है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वही चीज़ है। और जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है दोस्तों, पूछा गया कि भैया तेरी कॉस्ट 29 लाख थी, 38 लाख कैसे बढ़ गई। तो उसने बोला बहुत सारी बातें और एक्सक्यूज देने लगा, जैसे हमने एक नया ट्रेनर हायर किया है जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए की है, फिर हमने एक काफ़ी सारे जो रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट का किया है और उसके ऊपर फिर 3 लाख रुपए की एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है वो भी आ रही है, फिर काफ़ी सारे हमने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज किया है जिसकी कॉस्ट भी आ रही है 25,000 रुपये। तो सीईओ ये सब एक्सक्यूजेस को देख करके खुश नहीं हुआ। उसने बोला कि भैया मैंने तो ये देख करके अपने स्टार्टअप में जो ट्रेनिंग सेशन है वो करवाना शुरू किया था कि यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हाई वैल्यू प्रोवाइड होगी, भले ही थोड़ी सी महंगी तुम दे रहे हो, 14,800 की दे रहे हो, बाहर में 12,000 की मिल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि हाई वैल्यू प्रोवाइड करेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सब। लेकिन यार तुमने तो बैंड बजा दिया, इतनी हाई कॉस्ट तुम लोग चार्ज कर रहे हो, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, तुम लोग इसको ठीक करो। तो हमें आइडेंटिफाई करना है रिक्वायरमेंट थ्रेड्स टू गोल कॉन्ग्रेंस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर प्राइजिंग। थ्रेड्स
थ्रेट्स कौन कौन से हैं। पहला देखो, पहला थ्रेट ये है कि जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है ना, वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो क्या करता है, जो भी हवा में जो भी कॉस्ट आती है, वो दोनों डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट और जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, इन दोनों में बांट देता है। तो इससे क्या होता है, इन दोनों की जो इन ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। भाई कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनकी परफॉर्मेंस जो खराब होगी, तो इनकी एवेल्यूशन में इनका खराब आएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये दोनों कहते हैं कि भैया ये अपनी जो है कॉस्ट कंट्रोल नहीं करता, इसको अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट मतलब कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर गुस्सा है। हाँ, और फिर एक ये भी है कि जो सीईओ है वो कहता है कि नहीं, इन हाउस ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो उसके बेनिफिट्स के ऊपर अड़ा हुआ है। ये भी गधा इंसान है, इसको बाहर में ट्रेनिंग 12,000 रुपये में सस्ती में मिल रही, तो इसको बाहर में ट्रेनिंग करवा लेनी चाहिए ना, ये भी मानने को राजी नहीं है। फिर जो ट्रेनिंग के जो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट है, वो क्या फिक्स नेचर के हैं, फिक्स नेचर के हैं, तो इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ, अगर सेशन आपने कम लिया तो पर सेशन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बैठ जाती है, तो इससे फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये हमने थर्ड आइडेंटिफाई किए। अब सेकंड में कह रहा है, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड अल्टरनेट ट्रांसफर प्राइजिंग मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन 2-पार्ट प्राइजिंग सिस्टम वॉज फॉर्मुलेटेड। तो ये जो थ्रेड्स हैं गोल कांग्रेस को, इसको काउंटर करने के लिए एक अल्टरनेट ट्रांसफर प्राइजिंग मेथडोलॉजी है, जिसे हम 2-पार्ट प्राइजिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन ने बता रखा कि किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट से इसका कोई लेना देने नहीं। तो इस जो गोल कांग्रेस का जो थ्रेट है, इसको एड्रेस करने के लिए एक ट्रांसफर प्राइजिंग मेथडोलॉजी को अपनाया गया, उसे इन्होंने नाम दिया 2-पार्ट प्राइजिंग सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं कि कॉस्ट को, जो कॉस्ट होती है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट में बांट लेते हैं और एक वेरिएबल कॉस्ट में बांट लेते हैं। और जो फिक्स कॉस्ट होता है उसका स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका भी स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं, और जो फिक्स कॉस्ट को है वो बजटेड जो यूसेज है उसके आधार पर बांट लेते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको एक्चुअल यूसेज के आधार पर बांट लेते हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है जो 2-वे मेथड है उसके हिसाब से, कि मतलब क्या रहेगा ट्रांसफर प्राइस। तो देखो, ये है ट्रेनिंग सेशन का कॉस्ट। तो ये तो सारे फिक्स कॉस्ट हैं, क्योंकि ये पर सेशन चेंज नहीं होंगे, पर सेशन सिर्फ ये चेंज होगा, क्योंकि आदमी कम आएंगे तो ट्रेनिंग सप्लाइज कम लगेगी, ट्रेनिंग लंच कम लगेंगे, बट आदमी अगर कम आए चाहे ज़्यादा आए, डेप्रिसिएशन तो उतनी लगेगी, सैलरी तो उतनी लगेगी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का तो उतना ही लगेगा ना, इस तरीके से। तो हमने 2 भागों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स रेट है और जो वेरिएबल रेट है, इनका स्टैंडर्ड रेट निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका स्टैंडर्ड रेट निकाल लो। तो फिक्स का टोटल 28,10,000 की है, और जो वेरिएबल एक्सपेंसिस है वो 1.5 लाख रुपये के, और जो नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग सेशन है वो बजटेड सेशन है 200 रुपये का, 200 सेशन है, सॉरी 200 सेशन है। तो 200 सेशन के लिए फिक्स कॉस्ट अगर इतनी है और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो एक सेशन के लिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो हमने डिवाइड करके निकाल लिया, डिवाइड बाय 200 से। तो जो फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन है वो एक सेशन की इतनी होगी, और वेरिएबल कॉस्ट की 7,750 होगी, और जो फिक्स कॉस्ट की होगी वो 14,050 रुपये होगी। तो अब हमें बांटना किस तरीके से है, तो जो फिक्स कॉस्ट है इसको तो हम बजटेड सेशन जो था उससे इंटू कर देंगे, और जो जो वेरिएबल रेट है इसको जो हम एक्चुअल सेशन जो अटेंड किया है उससे इंटू करेंगे। तो देखो, ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे सबसे पहले कंसल्टिंग डिपार्टमेंट की। तो जो फिक्स कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड रेट है फिक्स कॉस्ट पर सेशन का, उसको हम बजटेड ट्रेनिंग सेशन से इंटू कर देंगे। तो बजटेड ट्रेनिंग सेशन है कितना, 100, और जो वेरिएबल स्टैंडर्ड रेट है उसको हम किससे करेंगे, एक्चुअल सेशन। तो एक्चुअल सेशन भी इसने 100 लिया, यानी इसका जो ट्रांसफर प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 14,80,000। और जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उसका देखो, तो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर सेशन यही है जो इसमें इसके अंदर था, और इसका बजटेड ट्रेनिंग सेशन भी कितना, 100, दोनों का 100-100 था ना बजटेड बजट में। तो और वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल जो कॉस्ट पर सेशन है वो कितनी, 750 750, और जो एक्चुअल ट्रेनिंग सेशन इसने कितने लिए, इसने तो 100 लिए, लेकिन इसने कितने लिए, सिर्फ 80 लिए। तो यानी इसकी जो ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी टोटल कितनी जाएगी, 14,65,000। तो देखो, इधर 14,80,000, इधर 14,65,000, तो टोटल जो है प्राइस कैलकुलेशन वो कितने की हुई, 29,45,000 की, बट एक्चुअल में एक्सपेंसिस तो 38,25,000 के, मतलब जो अनअलोकेटेड एक्सपेंसिस हो गए जो इन दोनों डिपार्टमेंट में नहीं बटे, वो कितने के हो गए, 8,80,000 रुपये के हो गए। फिर थर्ड, इवेल्युएट हाउ द 2-पार्ट प्राइजिंग
प्राइस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एड्रेस द थ्रेट्स टू गोल कॉन्ग्रेस एड एज आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन वन। कह रहे कि ये जो हमने टू पार्ट प्राइसिंग मेथड जो हमने अप्लाई किया है, इससे जो थ्रेट हो रहे थे गोल कांग्रेस को, उससे किस तरीके से हमें हेल्प मिलती है उसको काउंटर करने में। तो देखो, पहला तो ये है कि आपने यहाँ पे टू पार्ट प्राइसिंग मेथड से एलोकेट कर दिया, आपने जो ट्रांसफ़र प्राइस आपने एलोकेट कर दिया 29 लाख रुपये की एलोकेट कर दी, और 8,80,000 की क्या होगी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होगी। तो पहले क्या था कि जो ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट था वो जो भी कॉच आता था इन दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर ठोक देता था। अब क्या हुआ, ये जो 8,80,000 है, ये 8,80,000 किसके इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो आगे से जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस हो जाएगा कि भैया अगर मैंने गलत एक्सपेंसेस अगर मैंने जोड़े या ज़्यादा खर्चा करा दिया तो ये ज़्यादा खर्चा मेरे ही माथे आकर के पड़ेगा। तो जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है कॉस्ट कॉन्शियस हो जाएगा, आगे से कॉस्ट का ध्यान रखेगा फ्यूचर में। अब इससे जो इंटरनल ट्रांसफ़र प्राइस हुई वो देखो क्या होती है। देखो, जो सेकंड जो थ्रेड था वो था कि भैया फिक्स प्राइस बहुत ज़्यादा है, और फिक्स मतलब जो जो ट्रेनिंग सेशन जो है, जो ट्रेनिंग कॉस्ट आती है उसमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिक्स कॉस्ट का बहुत सारा पार्ट है, मेजोरिटी पार्ट फिक्स कॉस्ट का है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर आपने ट्रेनिंग सेशन कम लिए तो उसका पर सेशन आपका जो पर सेशन जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे फिक्स कॉस्ट, अगर आपने फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है जो भी है फिक्स कॉस्ट, लेकिन अगर जो बजटेड जो सेशन है उससे अगर आप एडिशनल करते हो, उससे अगर आप एक्स्ट्रा जाते हो, एक्स्ट्रा सेशन करा लेते हो, तो आपकी जो पर सेशन की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ 750 आएगी ना, 750 आएगी। यानी तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बजटेड सेशन जो हमने जैसे 200 लिखा है, तो हमें कम से कम 250-260 सेशन कराने चाहिए, ताकि 200 के बाद जितने भी हम एक्स्ट्रा सेशन कराएं उसमें आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आए, सिर्फ 750 रुपीज़ आए। तो ये बाहर से सस्ती पड़ जाएगी फिर हमें, एडिशनल जो ट्रेनिंग सेशन वो बाहर से सस्ती पड़ जाएगी हमें। और तीसरा ये था कि तीसरा थ्रेट क्या था, हाँ तीसरा थ्रेट ये था कि वही फिक्स कॉस्ट के कारण ज़्यादा पार्ट फिक्स कॉस्ट है। तो अब किसी ने किसी सेशन ने किसी डिपार्टमेंट ने कम ट्रेनिंग ली है तो उसको पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है, और जिसने ज़्यादा लिया उसको तो ज़्यादा कॉस्ट देनी ही पड़ती है। तो अब हमने क्या किया, वेरिएबल और फिक्स अलग अलग कर दिया। तो अगर कोई डिपार्टमेंट कम सेशन लेता है तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हर सेशन की, वो उस उनके उनको नहीं पे करना पड़ेगा। बस एक इससे ये फ़ायदा हो गया इन दोनों को करने से। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन एंड होता है।